The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesh Shyam Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. दोस्तों नमस्कार, ये जो हम भैंस दिखा रहे हैं आपको, विकास कुमार कुलड़िया हमारा असिस्टेंट, इसको पीछे से मार भी रहा, सरक नहीं रही है भैया। सरक क्यों नहीं रही भाई साहब? सरक नहीं रही है क्योंकि इसको शरण है दोनों पैरों में, पीछे वाले दोनों पैर हैं शरण या चिटकी रोग है जिसे हम अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेलाई बोलते हैं। देखो अब चल भी रहे तो देखो खींच के पैर देखिए, दायां और बायां पैर देखिए और खासकर बायां पैर इसका देखिए, ये देखो ये रुक गया भाई, खींच गया पैर पीछे की तरफ दोनों, इसी को बोलते हैं शरण या चिटकी रोग। अब धक्के मार मार के भी इसको ले जा रहे हैं तो ये चल नहीं पा रही पूरी बेचारी, तो अब चारा कैसे चरे, पानी पीने के लिए कैसे भागे दौड़े, और जब तक भागे दौड़े नहीं भाई साहब जीवन में दुनिया में तब तक मज़ा नहीं आता, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो। तो अब देखिए कितनी बेकार बीमारी है ये, ज़बरदस्ती चला रहे हैं राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी, आपके सामने रोशनी दिख रही है, पूरा सनशाइन हो रहा है पूरा दिन, चमकीला सूर्य की पराबैंगनी किरणें यहाँ पर चारों तरफ देखिए, और हमने तौलिया भी लगा रखा है सिर पे सब लोगों ने इस गर्मी से बचने के लिए। ये देखिए बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, तो हम इसका करेंगे ऑपरेशन, और जिसको हम कहते हैं मीडियल पटेला डेस्मोटोमी। ये हम पेड़ के नीचे ले आए हैं, देखो चल नहीं पा रही, पूरा लंगड़ा के चल रही, आराम से देखिए बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है बाएं और दाएं पैर दोनों, पटक लिया है, और हाथों में ग्लव्स पहन के ये बीपी हैंडल में बीपी ब्लेड फिट करके, और पहले भी मैंने कई बार बता दिया आपको कि जो एंटीरियर ट्यूबरोसिटी है टीबिया की और मीडियल ट्यूबरोसिटी है, उन दोनों के बीच से पटेला की तरफ जो लाइन ड्रा करते हैं, मैं कल्पना में बता रहा हूँ आपको, आप कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, मैंने आपको पहले बताया तो हम ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, हम इसको हम देखिए, हम केवल ये चमत्कार कैसे होता है उतना बताएंगे आज इस केस में। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, उनको पता है कि मैंने बता भी रखा है मेरे पुराने वीडियोज़ में, तो दोस्तों देखिए किस तरह से मज़ा आएगा इस पशु को। ये हमने काट दिया है पीछे से छुपके से, चुपके से, चुपके चुपके रे मना चुपके सब कुछ होय, माली सीजत सो गड़ा ऋतु आए चटकी जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम शेर व शायरी भी बीच बीच में कर सकते हैं दोस्तों, ये कुछ भी मिला दीजिए। तो ये हम छुप छुप के कर रहे हैं, हमारी चोटी दिख रही होगी आपको केवल सिर में, बाकी लिगामेंट नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज सिर्फ चोटी देख के काम चलाइए, ये देखिए हमने मोड़ दिया है फिर पैर को, ये खींच दिया आराम से मुंडे लग गया, अब ये दाएं पैर में और करेंगे, बाएं में तो कर दिया हमने, अब देखिए भैंस को मारेंगे पलटी, और देखिए ये हमने दाएं पैर को भी पटक ऐसे कर रहे हैं, वही बंदा मुस्कुराता हुआ, वही भैंस और वही डॉक्टर चोटी वाले भैया। ये देखिए हम फिर पालपेट कर रहे हैं इस लिगामेंट को, और यहाँ से थोड़ा और आराम से दिखेगा आपको, देखिए दोस्तों वही काल्पनिक रेखा जो मैं, ये देखिए भैंस उछलती, तो उछलेगी भाई, उछलेगी, उछलता है, हम इसको कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रखे हैं और इसमें एनेस्थीसिया देते भी नहीं है ज़्यादातर हम। तो देखिए ये आराम से, ये देखो ज़ोर से आवाज़ भी आई है, मुझे तो आई है, अब पता नहीं आपको आई है कि नहीं आई है। तो ये आराम से मीडियल पटेला लिगामेंट कट गया है, और ये भैंस को हम खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, भाई खड़ी कीजिए भाई, देखते हैं कैसे चलती है कि पड़ी रहती है कि क्या होता है इसका। ये भैंस आपके सामने जिसके टिकारा सफ़ेद स्टार ललाट पर दोनों सींगों के बीच का पोल स्थान एकदम चमकता हुआ सितारे की तरह सफ़ेद रंग का, और ये भैंस भी सितारे की तरह चमकती, वो इसलिए कहते हैं दोस्तों जीवन में फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, बड़ी मुश्किल से मिली है ज़िंदगी, खुद भी हंसो हंसाते रहो और भैंस की तरह चलते रहो मस्ती से। देखो ये जा रही है, आराम से जा रही है दोस्तों, अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ आपके सामने बैठा बैठा। तो दोस्तों ये हुआ वीडियो पूरा, ट्रीटमेंट आपका, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।